राइजिंग पाकिस्तान, आज राइजिंग पाकिस्तान में आपकी मुलाकात हमने करानी है एक्टर, मॉडल, इवेंट एंड शोज एंड कॉन्सर्ट्स एंड अवार्ड सेरेमनीज, प्लानर एंड एग्जीक्यूटर। और आजकल एक नई नई चीज इनके जहन में पनप रही है, ये पता नहीं क्या कुछ, मतलब ऑर्गेनिक खाना खाएं, मतलब ये ना खाएं वो ना खाएं, सारी कहानी मैंने सुनी है आज बनीज अहमद से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और कुछ ना खाने को नहीं कह रही, अच्छा, मैं खाने को कह रही हूँ। एक तो ये बड़ा मसला है कि जब कुछ ना खाने की लिस्ट आती है ना, तो वो ज्यादा लंबी हो जाती है। लोग बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है ना खाने में, तो कहती हूँ खाओ। अच्छा, बिल्कुल कुछ खाओ। मसलन क्या, चले यहीं से शुरू सब कुछ, लेकिन टाइम से खाओ। यानी इतनी परेशानी की क्या? मैं परेशानी की 6:17 पे खाओ, फिर 12:20 पे खाओ। टाइमिंग अपनी बॉडी के मुताबिक खाएं, लेकिन खाना जरूर खाना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन डाइट्स। अच्छा, बिल्कुल भी डाइट नहीं करती। ये एटकिंस तो कीटो तो ये इंटरमिटेंट कुछ नहीं। इटम देखें, हमने इनको नाम दे दिए हैं, लेकिन है क्या हेल्दी खाना खाना जो हमारे शायद माँ बाप खाते थे। हमारे जमानों में तो इधर पैकेज फूड ज्यादा आ गया ना, इसलिए जरा इजी वे आउट हो गया। जो हमारा इंस्टा वर्ल्ड हो चुका हुआ है, उसमें हमारे लिए जरा आसानी थी। लेकिन पहले तो सारा कुछ खाते थे, हमें कभी मना किया गया था माँ बाप ने? बिल्कुल नहीं। या उनको देखा था कि डाइटिंग करते हुए? कभी नहीं। ये मॉडर्न डे इश्यूज हैं, ओके, बिकॉज केमिकल्स इतने होते हैं बॉडी में। तो मेरा काम ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूँ कि ना खाएं। कैसे कैसे इंश्योर करें विनीजा के केमिकल फ्री खाना हमारी बॉडी तक को नसीब? देखिए, बैक टू द बेसिक्स जाना पड़ेगा, जो कहते हैं ना देसी सब कुछ जो था। अच्छा। देसी खाना जो है, जो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक खाना क्या है? ऑर्गेनिक खाना ये है कि आप अच्छी सी फसल हो, उसके अंदर कोई केमिकल्स ना इस्तेमाल किए हों, कहीं पे भी केमिकल्स नहीं। लेकिन हमारी बॉडी जो है केमिकल्स से रिएक्ट करती है, ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स नॉट मेड टू डील विद दोस केमिकल्स। तो खालिस खाना खाना, खालिस घी खाना, अच्छी सब्जी खाना, दैट्स ऑर्गेनिक। लेकिन वो तो फसल तो मैं खुद घर में नहीं बनाता। नहीं बनाते फसल ना, तो वो बनाता है जो खादें डलती हैं, तो वो ये फलाने ये तो प्रॉब्लम है। हम लकी हैं जरा, इस्लामाबाद में हमें बहुत अच्छा मिल जाता है। okay. कराची में भी मैं जानती हूँ, और लाहौर में भी जगह है जहाँ पे आपको केमिकल फ्री सब्जियाँ मिल सकती हैं। अपने किचन गार्डन को भी मेरे ख्याल है हमें थोड़ा सा प्रमोट करना। बिल्कुल जी, मेरे पास है। और क्या क्या उगाती हैं आप? तकरीबन सब कुछ। पालक आजकल हम अपने घर की खाते हैं, हर हफ्ते एक दफ़ा पालक ज़रूर बनती है। पालक उगाई हुई है, टींडे हैं, तोरी है, मिर्ची है, ऑल दी हर्ब्स। मेरी भिंडी उगाई है। सो मेरी सास के घर ये होता था, उन्होंने शुरू किया था। अच्छा। और काफ़ी अरसे से, कोई 30 साल से उनके घर के किचन के बिल्कुल साथ एक छोटा सा गार्डन है। ओके। तो बड़ा आसान है ये सब कुछ उगाना। तो अब तो मैं घर में ये करती हूँ कि कोई चीज़ फेंकते नहीं हम, वो हम फौरन उगाने के लिए डाल देते हैं। वो खाद बन जाती है? नहीं, खाद तो वो कंपोस्टिंग अलग है। अच्छा। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल सेलरी आजकल लाते हैं, वो ऊपर से पत्ते काटते हैं, बाकी उगा देते हैं। गार्लिक भी आप उगा सकते हैं, सैलड लीव्स जितनी भी हैं ऊपर से काट लें, उसकी जड़ें आप उगा लें, तो आप सब कुछ उगा सकते हैं बड़े आसानी से। विनीजा से उस दिन मेरी फोन पे बात हो रही थी, तो उन्हें एक पता नहीं जुमला या इस तरह की बात की, तो मैंने कहा विनीजा आप जब मेरे शो में आ रही हैं उस पर हमने ये जरूर बात करी। मैंने कहा देखें, मैं उधर इंग्लैंड में था, मैंने कहा हाँ विनीजा मैं आ रहा हूँ, आपने मेरे हाँ हाँ मैं, तो ये देखो तुम उधर फंस गए, ये वो सारी बात कहती है। वैसे इंसान के साथ ना हुआ बड़ा अच्छा है। मैंने कहा लो, सारी दुनिया रो रही है कोरोना का, कैसे अच्छा हुआ? देखें, यही ना इंस्टा वर्ल्ड हो चुका हुआ है, हर चीज़ जल्दी जल्दी जल्दी, हर चीज़ फौरन, तस्वीर खींचो उसको डाल दो। खाना भी हमें फास्ट फूड चाहिए, हर चीज़ हमें तेज़ी में चाहिए। इस उसमें हम क्वालिटी ऑफ चीज़ों की जो क्वालिटी थी ना, वो मिस आउट कर रहे हैं हम, कि वो उसके करीब नहीं, उससे दूर जाए जा रहे हैं। खाने में भी केमिकल्स हैं, दोस्तियों में भी जल्दियाँ हैं, बस तस्वीर खिंचवा लो, कॉन्वर्सेशन की क्या क्वालिटी हो रही है वो मैटर नहीं करती है। लेकिन इंस्टा पर तस्वीर ज़रूर लग जाए, फेसबुक पर तस्वीर ज़रूर लग जाए, हर चीज़ में हम ये कर रहे हैं। काम में भी ये कर रहे हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी कर रहे हैं, बच्चों को तैयार करके उनकी तस्वीरें खींच के, अपनी अच्छी सी तस्वीरें खींच कर, खाने की तस्वीर डाल के, बाद में क्या हो रहा है वो हम उस पर नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे। तो अल्लाह मियाँ ने ये हमें एक तरीके से हाँ कोरोना ने किया है। आप घर में अपनी फैमिली के साथ बन गए हो, जो आपके पास टाइम ही नहीं था। काम 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 किसके लिए कर रहे हैं?
बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, एक बेहतर जिंदगी के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या वो जिंदगी बेहतर हो रही थी? टाइम ही नहीं मिल रहा था उनके साथ, बच्चों के साथ टाइम गुजारने का या काम के बाद खानदान वालों के साथ गुजारने का। तो आई थिंक एक पूरी दुनिया को, सिर्फ एक कौम को नहीं, पूरी दुनिया को कहा है कि जरा थोड़ा होल्ड ऑन, थिंक अबाउट क्या और अपनी जिंदगी में, और जो चीजें मैटर करती हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करने पर हमें मजबूर हो गए हैं हम। देखे ना, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इवन जो आप काम कर रहे हैं वो किस ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? बिजनेसेस बंद हो गए, 50-50 साल पुराने बिजनेसेस बंद, बैंकरप्ट, गॉन, यू नो, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां मुंह के बल आकर गिरी हैं, बड़ी बड़ी एयरलाइंस बंद हो रही हैं, होटल चेन्स बंद हो रही हैं, सब कुछ बदल गया। और हम लकी हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है और हमें मौका मिल रहा है टू रीसेट एवरी प्रायोरिटीज इन लाइफ। मुझे तो ये लग रहा है, जैसे अब जनवरी से हम बंद हैं, तकरीबन फरवरी से बंद है। देखिए, एवरीबडी इज रीथिंकिंग के क्या करना चाहिए। मैं घर पे बैठ के 6 महीने से कुछ नहीं किया, गार्डनिंग शुरू कर दी, खाना पकाना शुरू कर दिया जो पहले जिंदगी में नहीं किया था। यू नो, डिफरेंट थिंग्स जो कभी आपने सोचा था कि हाँ मैं ये करूँगी या मैं करूँगा, अल्लाह मैंने वो मौका दिया। आप देखें, नए बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं, बड़े बिजनेसेस बंद हो रहे हैं ना, स्मॉल बिजनेसेस जो घर में लोग कर सकते थे, जिन्होंने कभी नहीं काम किया था, वो घर पे शुरू कर रहे हैं। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग। इट इज़ अ टाइम टू कॉन्टेम्पलेट और देखें और सोचें कि क्या हम अपनी आगे वाली जिंदगी वैसे ही गुजारना चाहते हैं। लेकिन सारों के लिए रीसेट हो गया ना, सारे जीरो से स्टार्ट होंगे। और मेरे ख्याल में जब जीरो से रीस्टार्ट होंगे तो थोड़ा सा ये भी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, थोड़ा सा ये भी सोचना है कि ये ना हो कि हम कहें जी चलो बिल्कुल बस वो पुरानी वाली जिंदगी हम, हमें दोबारा चाहिए। इसमें से कुछ हमें पिक एंड चूज करना है, लाइक अ रेस्टोरेंट मेन्यू, कि पुराने मेन्यू में से हमें ये अच्छा चाहिए और नया जो मेन्यू हमें कुदरत ने, नेचर ने दिया है, इसमें से हमें ये 5-6 डिशेज चाहिए और हमें अपने लिए जिंदगी लाइफस्टाइल का एक नया मेन्यू क्रिएट करना। बिल्कुल बिल्कुल, तरीकेकार बदलना पड़ेगा। इसलिए कि करने क्या है इस दुनिया में, पहले तो ये सोचे ना कि इज इट टू मेक मनी, इज इट टू पर्पस, क्या है जिंदगी। अच्छा, व्हाट इफ इट्स टू मेक मनी, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, बुराई तो बिल्कुल भी नहीं है, बट यही करना चाहते हैं जिंदगी में, सिर्फ पैसे। हाँ, पैसे से क्या, हाँ फिर क्या होगा, फिर 9 पता नहीं 10 डिजिट्स, 0 में तो ये भी नहीं पता कितने डिजिट्स होने चाहिए, और फिर 10 डिजिट्स, 11, फिर क्या, लोगों के मिलियंस ट्रिलियंस खत्म हो गए, क्या है? पैसा तो आने जाने वाली चीज है, इट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आप गुजार रहे हो, ऐसे रिलेशनशिप कितनी अच्छी है। विनी से मुझे कोई कहता है पैसा आने जाने वाली चीज है, मैं कहता अच्छा आए तो सही, जा रहे था मैं देख लूंगा, आए तो सही। देखिए, ये चीजें आई थिंक बहुत टेम्पररी है ना, ये लम्हे हमें रियलाइज करा रहा है कि दीस थिंग्स क्या मैटर करते हैं। आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, आपकी सेहत, अगर सेहत अच्छी है तो कोरोना कोई भी नहीं होगा आपको, इंशाल्लाह। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको बीमारी से आप बच सकते हैं। सो यू नो, देयर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो अल्लाह मियां आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, वैसा फिर मैं कहूँगी आने जाने वाली चीज़। और मैं फिर कहूँगा आए तो सही, जाने का देख लेंगे। बिल्कुल, विनीसा अहमद हमारे साथ मौजूद है। एक राइजिंग पाकिस्तान में छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं विनीसा से जरूर जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की हमारी ग्लैम इंडस्ट्री, हमारी फिल्म टीवी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, जनरली जो हमारा शोबिज है, वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। स्पेशली जो हमारा जो क्रू है, जो प्रोडक्शन स्टाफ है, बड़े बड़े स्टार्स और आर्टिस्ट तो शायद सर्वाइव कर गए, उनकी सेविंग्स भी थी। तो इस हवाले से क्योंकि इवेंट्स और प्लानिंग और उस हवाले से बहुत बड़े लेवल पे विनीसा के एक्सपीरियंस से काम करेंगे, तो इस हवाले से इंडस्ट्री के आगे क्या SOPs होने चाहिए टू गेट स्ट्रेंथ अगेन एंड बी ऑन ट्रैक अगेन, इस हवाले से जरा विनीसा के कुछ मशवरे लेंगे। मशवरा मुफ्त रही मेरे साथ राइजिंग पाकिस्तान में, अभी मिलते हैं। राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे विनीसा आज हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, तो और ये जो 4-5 महीने, एक तो आप कह रही हैं अपने कुकिंग शुरू की। मैंने बहुत सारी चीज़ें शुरू की, मैंने पेंटिंग शुरू की, मैंने गार्डनिंग शुरू कर दी है बड़े शौक से,
कि मैं एटलीस्ट 6 घंटे गार्डन में ज़रूर लगाती हूँ। और गार्डनिंग का ये मतलब नहीं है कि फूल देखती हूँ सिर्फ, लेकिन मैंने सारी रीपॉटिंग की इस दफ़ा। अच्छा। जितनी मिट्टी थी सारी बदली खुद अपने हाथों से? अपने हाथों से, या वो माली बाबा खड़े हैं? ना 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 ना, अपने नहीं, 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 खुद अपने हाथों से गोडियां कर करके, कल भी बल्कि की रोज करती हूँ। अच्छा, अपने हाथों से। वो तो घंटे के लिए, माली तो घंटे के लिए आता है। एंड दैट्स व्हाट आई लर्नड कि इंस्टेड के किसी और के ऊपर रिलाई करूँ कि मैं खुद क्यों ना सीखूँ, तो सारे पौधों के रूट सिस्टम कैसे होते हैं, कहाँ जाते हैं, उस टाइप की गार्डनिंग, ऊपर ऊपर वाली गार्डनिंग नहीं। अच्छा, ये कभी दिल किया कि मतलब आए वो पुरानी अपनी कोई एल्बम खोलूँ और जो डू यू मिस रैम, डू यू मिस द कैमरा? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। वो रैम का एक ऐसा किक है ना, है लेकिन देखिए, वंस यू हैड दैट, मुझे वो कभी हाई नहीं लगा था, इसलिए कि मेरा वो एंड जो रिजल्ट था मुझे वो नहीं चाहिए था। मुझे जो कहते हैं, मुझे शोहरत नहीं चाहिए थी। आई डिडंट डू इट बिकॉज आई वांटेड टू बी सीन ऑन द रैम। मैं तो काम के तौर पे करती थी, एंड हैपन टू बी मॉडलिंग। तो आज तक अपनी कभी सेल्फी नहीं खींची, ना खींचनी आती है। तो आई एम रियली बैड, आई एम द वर्स्ट ऑन सोशल मीडिया, आई एम वन ऑफ दोज डायनासोर्स पुराने ज़माने वाले ना। मुझे ये इंस्टा, मेरे ख़ानदान वाले कहते कि कभी, अब मेरी नीस, पहले मेरी बहन कहती थी कि कुछ तो लगा लें आप, कोई नई तस्वीर अपनी लगा लें। मेरे पास अपनी तस्वीरें ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ अपनी पुरानी वाली, अगर कहीं मिल गई, किसी ने भेज दी तो है। बल्कि मैं वो वाले टाइम की हूँ ना जहाँ पर नेगेटिव होता था, डिजिटल नहीं था। तो आप तो डिजिटली सारे मिल जाते हैं। पहले तो वो ये होता था कि अथर शहजाद को मैंने फ़ोन किया, वो कहाँ है वो नेगेटिव्स? अच्छा, ढूंढूंगा, मैंने दे नहीं दिए। सो आई डोंट हैव देम, सो नहीं मैंने कभी वो एल्बम्स निकाले। यू डोंट हैव देम, लेकिन वी हैव सम ऑफ देम, दिखाएं आपको? ओह नो, है ना, हमारे पास, हमने कुछ वो देखे, सो डूड के कोई बाहर के पुरानी होंगे। ये अथर शहजाद है? ये अथर शहजाद है। अथर शहजाद, अमेजिंग। ये भी अथर शहजाद, वाओ। आई थिंक इतनी पुरानी है कि मुझे याद भी नहीं। ये नहीं, ये गुड्डू शानी है। गुड्डू शानी, ये मेरी लॉन की है, ये गुड्डू शानी की है। ये है जी अरशद तरीन की। वाह, अरशद इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। अरशद का बड़ा खूबसूरत, ऐसी मजे की लाइटिंग करता है ना वो। जी बिल्कुल। और ये किसी आम किसी बंदे ने खींची है जब मैं प्रेग्नेंट थी। हाँ, ये भी किसी इवेंट की है। किसी इवेंट की है ना? बिल्कुल। अच्छा, ये ड्रामे की है आहत के साथ। बिल्कुल, ये भी रिसेंटली मेरा बेटा भाई। अब मुझे लोग इस्लामाबाद में, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो अब मैं वनीजा नहीं हूँ, आहद की अम्मी, मैं साथ की मामा। साथ की मामा, आहद भी नहीं है, आहद भी नहीं, साथ की मामा। अब मैं अहद वफा की मामा हूँ। सारे मुझे ये कहते हैं। अच्छा, इतने गैप के बाद आपने अहद वफा किया, क्या, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वाज वेरी लवली, आई मीन बहुत अच्छा था। गैप इसलिए लिया, इसलिए कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, नहीं कोई ड्रामा कर सकती थी बीच में। बट आहद के साथ ये मेरा काफ़ी, 12 साल पहले मैंने इसके साथ लास्ट, मैंने जो हम टीवी के साथ ड्रामा किया था खामोशियाँ, उसमें वो मेरा बेटा बना था, छोटा था तब, मेरे ख्याल 13 साल का था या 14 साल का था। और फिर 12 साल के बाद, तो 12 साल बाद अपने बेटे से मिलना कैसा लगा? बड़ा मज़ा, आई मीन ही इज़ सच अ वेल ब्रॉट अप बच्चा। मैं हमेशा कहती हूँ, उसकी अम्मी को भी कहती हूँ, उसके अब्बा को भी कहती हूँ कि इतना अच्छा बच्चा, मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं काम किया। जितना वो प्रोफेशनल है, जितना वो तहजीब वाला है, रिस्पेक्ट देने वाला है हर एक के साथ, बहुत मज़ा आया। और सैफी डायरेक्टर ही इतने अच्छे हैं। क्या चेंज विनी, आपने क्या चेंज महसूस किया सेट्स पे, प्रोडक्शन? कहाँ हम इन 12 साल में आगे गए हैं और कहाँ हम इन 12 साल में पीछे गए? आगे हर तरीके से हम आगे गए हैं, पीछे नहीं गए। पीछे सिर्फ एक, जो पहले ज़माने में या जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था, हम रिहर्सल्स बहुत करते थे, यू नो, काम के लिए। ये नहीं होता था कि सेट पे पहुँचे और आपको स्क्रिप्ट मिल रहा है। पहले जिनके साथ भी, चाहे वो सुल्ताना आपा थी या दूसरे डायरेक्टर्स थे, पहले ज़रूर, और जिनके साथ मैंने काम किया, जैसे नदीम साहब हो गए, एक दिन पहले आपने रिहर्सल की, या आप एक हफ्ता रिहर्सल्स करते रहे अपने लाइन के साथ, लेकिन इतना लंबा जब ड्रामा। खैर, अहद वफा में तो मेरी सीन्स बहुत कम थे, लेकिन ये एक चीज़ कम हो गई है। बाकी प्रोडक्शन वाइज तो हम बहुत आगे हैं। और ISPR के साथ काम करने में, आई थिंक, या हम टीवी के साथ काम करने में,
मज़ा ही आया बिकॉज एवरी थिंग वॉज वेरी ऑर्गेनाइज. और हम टी वी के साथ किसी भी ड्रामे के साथ ऐसा जो होता है जो प्रोडक्शन जो होती है अगर वो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं तो अच्छा वैसे बेहतर ही हुआ है, कोई बेहतर नहीं मुझे वैसे ड्रामे देखती हैं जो आजकल वैसे ही जो चल रहे हैं सर्फिंग करते हुए. डू यू वॉच टीवी? मेरा नहीं ख्याल. बहुत कम है ना, बहुत कम देखती हूँ, बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता. टीवी देखती हूँ अगर कोई नई बहुत कोई नई टीवी फिल्म आ गई अच्छा तो देख लूंगी. आजकल कुकिंग शो ज्यादा देखती वो ज्यादा देखी जा रही है इसलिए कि आजकल कुकिंग के जैसे मैंने कहा जो काम शुरू किया है फूड थेरेपी बाय वनीजा के नाम से उसकी वजह से वो शोज देखती हूँ, कुकिंग शोज ज्यादा. वो जो बहू शादियों के आ जाती है ना और उसको खाना पकाना नहीं आता और उसको बड़ी डडी किस्म की नंदे और सास मिल जाती है फिर वो कुकिंग शोज देखती है फिर रोज सुबह. बिल्कुल देखिए बड़ा जरूरी कड़ी पकौड़ा कैसे बनाना है, कैसे बनाना. और जब इतना मुश्किल नहीं है, मेरे भाई कुक बन चुका है क्वारंटीन में, तो हर बंदा कुक बन चुका है ना कि और हाउस हुए तो ऐसी चीज थी कि मैंने सोचा कि जी कराची में ज्यादा खाई जाती है, इस्लामाबाद में कम लोगों को पता था कि हाउस हुए होता क्या है. तो उसको इंट्रोड्यूस कर, तो उसको इंट्रोड्यूस कराया. और ऐसा खाना जो इज गुड फॉर योर मूड, आपके लिए अच्छा होता है, जिस जो इंग्रेडिएंट्स हम खाना मूड पे इफेक्ट होता है. मुझे तो वो खाना मूड पे इफेक्ट करता है जो मेरे पसंद का हो. निहारी आप सामने रखते हैं मेरा मूड बिल्कुल, लेकिन निहारी अगर आप सही टाइम पे खाएं तो आपके लिए फायदेमंद ही है. कौन सा टाइम सही है? दोपहर को खाएं ताकि आप बर्न ऑफ करें. अच्छा देखिए गोश्त अच्छी चीज है अगर आप सही तरीके से खाएंगे, इट्स नॉट अ बैड थिंग. उसमें बहुत ज्यादा आयरन है, बहुत बहुत अच्छी चीज है. लेकिन उसके बाद उसको हजम करने के लिए, हजम करने के लिए. और निहारी के साथ हम नान खाते हैं तो वो जरा वो थोड़ी चीजें हैं. नहीं तो कांटे के साथ निहारी कैसे खा सकते? नहीं नहीं अच्छा अच्छा वो खमीरी रोटी के साथ खा ले, दोपहर को खा ले खमीरी रोटी पतीली के साथ, तंदूर वाली रोटी के साथ खा ले, तंदूर वाली रोटी के साथ खा ले. बिल्कुल ऐसा ही. ये तो बहुत अच्छी चीज़ निहारी की इससे ज़्यादा. और अगर देसी घी में खाएं तो बहुत अच्छा, वो भी ज़्यादा. बात सुने निहारी के इससे ज़्यादा मेरे मुंह में पानी आ रहा है. निहारी की इससे हाउस हुए आपने मेरा ट्राई करना जरूर. आपने मेरा हाउस हुए नहीं ट्राई, मैं जरूर ट्राई करूंगा. लेकिन मैं जरा पहले निहारी के हुकूक पे बात करूं. निहारी के हुकूक इस वक्त मेरे शो में पामाल हुए हैं. क्या आपने कहा है कि निहारी को लाल आटे की रोटी के साथ खाएं? नहीं, नान चले खा ले आप, चिट्टा नान भी खा ले, लेकिन दोपहर को खाएं, रात अच्छा को ना खाइएगा. वैसे ये बात आपकी सही है कि हम ये नहीं सोचते कि कौन सी चीज कब खानी चाहिए. मुझे याद है, मुझे बिल्कुल याद, शायद सेब के बारे में कहा जाता है जी कि वो रात में शाम में नहीं खाना चाहिए, सुबह खाना चाहिए. बिल्कुल हर टाइम पे, हर खाने का टाइम है और कॉम्बिनेशन है कि क्या चीज किसके साथ खानी चाहिए. जैसे अगर आप गोश्त खा रहे हैं उसके साथ आपको विटामिन सी खाएंगे तो आयरन की एब्जॉर्प्शन होगी, तो नींबू निचोड़ लें या नींबू पानी साथ पी लें या साथ में टमाटर खा लें. यू नो ये सारे जो हमारे खानों में चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का कोई मकसद होता था. दैट्स व्हाई दे से ना थिंक बिफोर यू ईट, कि क्या जो खा रहे हैं आप उसके बारे में आप ज़रूर सोचें कि आप किस तरह खाना चाहिए उसको. हर चीज़ कॉम्बिनेशन में और कई कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी होती है. तो इसलिए टाइम से खा लें और अच्छा खा लें तो बहुत अच्छी चीज़. अच्छा जी, वो ब्रेक से पहले हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था, आपने पाकिस्तान की जो खास तौर पे ग्लैम इंडस्ट्री जो है, फैशन इंडस्ट्री है, फोटोग्राफी ग्लैमर इंडस्ट्री, उसको आज 3 मुफ्त मशवरे देने फॉर द कमिंग 10 years. मशवरे देने, अल्लाह, उसमें फोटोग्राफर्स भी हैं. देखिए आजकल तो हर एक को मशवरे देने का बड़ा शौक आ रहा है, इसलिए कि हर एक इंडस्ट्री का बड़ा बुरा हाल है. फैशन क्या हुआ, टीवी, मीडिया, काम हो ही नहीं रहा, किसी किस्म का काम नहीं हो रहा. लोगों को के पास नौकरियां नहीं है कि तो वो पैसे कहाँ खर्च करेंगे व्हेन इट कम्स टू टेक्सटाइल. ड्रामे नहीं बन रहे, तो जैसे आपने कहा जो पूरा क्रू है उनके पास, मशवरा यही है कि लुक विद इन योर सेल्फ. जो आजकल टाइम गुजर रहा है, हर एक के साथ बुरा टाइम गुजर रहा है. यू हैव टू रीथिंक, दोबारा से सोचना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं क्या वो आगे हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए वो बेहतर है कि नहीं है. जैसे मीडिया की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे टेलीविज़न से सब कुछ डिजिटल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता. तो जो क्रू के लोग थे, जो इंडस्ट्री के लोग थे, उनको कह रहे हैं कि जी रीथिंक, दोबारा से सोचें कि ज़रूरी नहीं है कि आप टेलीविज़न के लिए काम करें. आपके डिजिटल इतने आपकी मीन्स शुरू हो गई हैं,
इवेंट्स की जब बात हो रही है, बड़ी शादियां बंद हो गई हैं, अब छोटी शुरू हो रही हैं, बड़े इवेंट्स जो हो रहे थे, बड़े अवार्ड शोज जो हो रहे थे, दे हैव टू रीथिंक एवरीथिंग, हर चीज़ बदल गई है ना, रीसेट हो गई है। तो मशवरा तो यही है कि रीथिंक योर लाइफ, कि जिंदगी के बारे में सोचें, कि जिन चीज़ों के बारे में हम भाग रहे थे, जिन चीज़ों के बारे में हम सोच रहे थे, क्या वो उतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्या इंस्टाग्राम लाइक्स उतनी ज़रूरी हैं देन द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू हैव। तो हर चीज़ के बारे में आपको दोबारा सोचना पड़ेगा। फेसबुक के मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, उन फॉलोअर्स ने आपको क्या ला के देना है, क्या करेंगे वो आपके वो जो मैं आपके रात को मैं दुआ तस्वीर... मांगे तो बहुत अच्छा है, दुआ मांगे कि अच्छी नहीं वो जो हार्ट्स भेजते हैं, उस हार्ट का आपके साथ भाई आपकी मूछे कितनी अच्छी लग रही। और रात को अगर मैं एक वीडियो लगा के सोता हूँ और सुबह उठता हूँ तो उस पे इतने हजार लाइक्स और इतने उस हजार लाइक से आप खुश हो रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे शायद वो लेकिन ये देखें कि वो खुशी कितनी ओरिजिनल और जेन्युइन है ना, फेक। और वो खुशी, वो फेक हैप्पीनेस भी कह रही हूँ, अगर वो आपके लिए दुआ मांग रहे हैं, अगर हजार बंदा उस वक्त सोच के मेरे लिए वो दुआ मांग रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि शायद उस दुआ वो मुझ तक पहुँच जाए, लेकिन वो दिल का मेरे से क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ हर बंदे को अपने बारे, इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए कि जो फ्यूचर के लिए जो हम काम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो ज़रूरी है। आपने अभी बड़ी बड़ी शादियों का जिक्र किया, ऐसे वाकई मैं कहता हूँ बड़े बड़े अवार्ड शोज से भी बड़ी बड़ी शादियाँ करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे, हो रहे के लिए ये सोचना चाहिए। 6 महीने बाद वो शादी खत्म हो गई, माँ बाप की मुसीबत पड़ गई, उन्होंने घर गिरवी लगा दिया, लिटरली पैसे मांगे। आई नो पीपल हु हैव डन दैट। और क्या फायदा लोगों को दिखाने के लिए, तो ये जो लोगों को दिखाने के लिए मिसेस कबाडिया के बेटे की शादी पे इतने लगे थे, तो मिसेस जोहेर जो है वो अपने बेटे की शादी पे उससे ज्यादा लगे। सारी चीजें हमारी जिंदगी के बारे में बदलनी पड़ेगी कि हम जो काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर ये बदलना चाहिए। विनी आखिर में मेरा ख्याल है 1.5 मिनट रह गया, मुझे बताएं हाउ टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ। आई थिंक अपना खुशी आप सिर्फ लोग और चीजें नहीं आपको खुशी दे सकते, एंड आई थिंक इट्स योर रिलेशनशिप विद अल्लाह, विद गॉड, कि आपकी क्या रिलेशनशिप। यू स्लीप, जब आप सोने जाते हैं कि आप खुश सोते हैं, कि आप टेंशन में सोते हैं कि मैंने ये गलत ज़िंदगी में काम किए तो आगे मेरे साथ क्या होगा। तो यू नो ज़िंदगी जो है बहुत छोटी है, और क्वालिटी ऑफ जो लाइफ ज़िंदगी है वो आपको अपने, ये कोरोना दिखा रहा है, इर्द गिर्द ख़ानदान वालों के साथ वही ज़रूरी है, बाकी सब कुछ बेमायने हैं, लिटरली बेमायने हैं। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुशी उसी से मिलती है और किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। आई डोंट थिंक सो। डू यू मिस योर सिस्टर? लॉट्स, आई मीन ऑफ कोर्स आई मिस। ये मैंने रियलाइज़ किया कि रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसके लिए ये पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए ये शोहरत चाहिए, सिर्फ क्या आप समझती कि उस एक वाकये ने भी ये बिल्कुल मेरी तो पूरी ज़िंदगी बदल चुकी है उस वजह से। इसलिए मैं मीडिया की तरफ से जरा थोड़ा सा मैंने आज ये महसूस किया हो रहा है मुझे, बिकॉज आई फील अगर मैं आई हूँ तो और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं देन वॉचिंग अ प्ले और पुटिंग अ नाइस अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट लगा लूँ मेरी अच्छी तस्वीर से, क्या अल्लाह मियाँ ने मुझे वो शक्ल दी है, लेकिन मेरी जो काम जो मैं कर रही हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ये मीडिया की ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो जो मैसेज हम ड्रामे के थ्रू हम देते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत के मुझे लाइक्स मिल रही हैं मेरी तस्वीर। एक जवान बहन भाई में से किसी को, सिब्लिंग्स को लूज कर देना, किसी को भी दोस्त को करना, कैसे उससे कैसे करते हैं लाइफ में नहीं करते आप वो वापस आप कभी भी नहीं आ सकते, बिकॉज़ आपका इस जिंदगी का ये हिस्सा वो निकल के जा चुका हुआ है। लेकिन वो अल्लाह मियां ने मुझे ये चीज सिखाई है कि वो कहीं गया नहीं है, इट्स ब्रॉट मी क्लोजर टू गॉड, कि वो इंसान कहीं जाता नहीं है, इट इज दुनिया। मैंने ये सीख लिया कि एक बहुत छोटा टाइम है जो हम इस दुनिया में गुजारते हैं, देयर आर अदर थिंग्स दैट आर मोर इंपॉर्टेंट। एनिजा थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, थैंक यू फॉर हैविंग, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू कम हियर टू अ नाइस सेट
ऑलवेज टू अ नाइस सेट, पीटीवी का सबसे अच्छा सेट है ये, मैं आपको ये बता दूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। हम चल के अब आपसे इजाजत चाहेंगे। मुनीज़ अहमद के साथ आज बहुत सी बातें हुई, ये बातें सिर्फ सुननी नहीं है, इनको इंटरनलाइज करना है, इनको खोजना है। ये बज़ाहिर तो हमने हंस खेल के एक आधा घंटा आपके साथ गुजारा, लेकिन इस सब में बहुत कुछ था, हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, और ये बहुत से पैसे में नहीं आ सकता, ये किसी इंस्टा स्टोरी के 55,000 लाइक्स में नहीं आ सकता। वो कैसे आ सकता है ये शायद हमें भी नहीं पता। डिस्कवर योरसेल्फ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।